वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया लोकेशन है और मकान भी काफी बढ़िया बना हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से पसंद जरूर आ जाना चाहिए। ये डेढ़ स्टोरी बना हुआ है, ये डेढ़ स्टोरी में आसपास का लोकेशन कुछ इस तरह से है। चलिए अंदर की तरफ देखते हैं। ऊपर में कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है पार्किंग एरिया में, यहाँ पे बाइक स्कूटी खड़ी हो जाएगी, फोर व्हीलर अंदर नहीं जाएगी। और मकान की फ्रंट जो है वो 23 फुट फ्रंट है इसका, और ये लगभग में कंप्लीट है। थोड़ा बहुत हो सकता है कोई काम रहता हो, अदरवाइज ये कंप्लीट है पूरी तरह से। ये रहा पार्किंग एरिया, यहां से एंट्रेंस, सेकंड, और यहां से ये आपका एंटर होते ही राइट हैंड साइड में किचन आ जाता है। जैसे एंटर होते हैं राइट हैंड साइड में किचन आ जाता है, ऊपर की कुछ इस तरह से है डाउन सीलिंग का काम। किचन के सामने ही थोड़ा सा स्पेस हो जाता है डाइनिंग एरिया की तरह, कुछ इस तरह से काम किया हुआ है कपबोर्ड का किचन में, वुड वर्क लक्कर का काम कुछ इस तरह से है। चिमनी का पॉइंट वहां पे दिया हुआ है। ये आपका डाइनिंग एरिया के लिए थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, और दो बेडरूम है ये, दो ऊपर में डाउन सीलिंग, ओपन किचन। ये दोनों गेट जो दिख रहा है दोनों बेडरूम आता है, ये दोनों बेडरूम का दोनों अलग अलग गेट है, दोनों से अटैच बाथरूम आ जाता है। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला बेडरूम ये है, यहां पे ये एलईडी पैनल, ये एलसीडी पैनल बना हुआ है। ये फर्स्ट बेडरूम है, वैसे दिन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगा इसके अंदर। और बेडरूम से अटैच ये वॉशरूम है, बेडरूम से अटैच ही बाथरूम है, दोनों बेडरूम से अटैच है ये। ये कुछ इस तरह से है, और इसी के साथ ये सेकंड बेडरूम जो कि ऊपर में कुछ इस तरह से डिजाइन है, ये वॉशरूम सेकंड बेडरूम से अटैच है। बहुत ही बढ़िया काम हो रखा है और ये कंप्लीट भी है। और ये फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं, ये वाला फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही एंटर कर ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका वॉशरूम एक मिल जाता है, और इसी के साथ में एक बेडरूम है। इसी के साथ फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम है, तीन बेडरूम है, दो बाथरूम है, पार्किंग स्पेस है, और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें।
थैंक यू सो मच।